गाइस अभी हम आ रहे हैं बरमानी माता से और अभी हम जाएंगे इस साइड पर, यहाँ पर है 84 मंदिर। तो अभी हम 84 मंदिर वाली साइड जाएंगे। चलो चलते बताते हैं हम आपको। ये देखिए, ये 84 मंदिर का गेट है और अभी हम 84 मंदिर में जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, 84 मंदिर जो है वो शिव भोलेनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर ही यमराज जी का मंदिर भी है। तो जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि उसमें सब कुछ यहाँ पर कैसे क्या हुआ था, कैसे शिव भोलेनाथ जी यहाँ पर आए थे, कैसे उनका मंदिर बना हुआ था, कैसे 84 सिद्ध आए थे, तो पिछले वीडियो में आपको सब कुछ दिखाया है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। और अभी यहाँ पर जो है वो यमराज जी का मंदिर भी है। तो ये यमराज जी का मंदिर है, वो एकलौता मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में जो है ये एकलौता मंदिर है। और यहाँ पर मरने के बाद जो भी है, चाहे वो आस्तिक है या फिर नास्तिक है, उन हर किसी को यही मंदिर में आना है। बोलेगी पोस्ट करेगी मोच। तो ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर नामक शहर में है। तो आजकल तो इन मंदिर में जो वो कीर्तन चले हुए हैं, क्योंकि यात्रा जो चल रही है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कीर्तन चले हुए कितने सुंदर लग। और ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। और जैसा कि अभी टाइम हो चुका है 5:30, तो अभी हम जाएंगे आगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो भोलेनाथ जी का नंदी है। तो यहाँ से नंदी के परिक्रमा करते हैं, मतलब नंदी के नीचे से निकलते हैं। ये देखिए ये बच्चा, छोटा सा बच्चा कैसे निकल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे निकलने से जो दुख दर्द वो दूर होते हैं, और इनके मतलब नंदी जी के कान में कुछ बोलोगे तो वो इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो आप देख सकते। तो अभी हम मंदिर जाएंगे मंदिर में और पंडित जी से बात करते हैं। बनाया है ना ये मंदिर, ये 7वीं शताब्दी का है। और इसका महत्व क्या है? ये सबसे बड़ा मंदिर है, जैसे एकमात्र नहीं, सबसे बड़ा, एकमात्र धर्मराज जी का मंदिर। धर्मराज जी का मंदिर शिवलिंग कितने साल पुराना होगा? ये 7वीं शताब्दी का है। 7वीं शताब्दी मेघवर्मन राजा थे ना उन्होंने। तो अभी हम यमराज जी के मंदिर में जाएंगे। मूर्ति यही बनाती है, आत्मा का सारा लेखा जोखा धर्मराज जी करते हैं। इनके सामने चित्रगुप्त जी का मंदिर है, वहाँ पर आत्मा के पांव के निशान दर्शाए हुए, चार दिशाएं दर्शाई हुई है। आत्मा वहाँ पर खड़ी होती है और पाप और पुण्य के बारे में यम धर्मराज जी को बताते हैं चित्रगुप्त जी। इनके आदेश अनुसार चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, उनमें से 1 दरवाजा खुलता है और उसमें आत्मा को डाल दिया जाता है। जितने भी भूमि है सारी 84 बोलते हैं इसको। यहाँ पर 84 मंदिर है और एक एक मंदिर का 84 लाख जोड़ी से ज़्यादा महत्व है। आदमी भाव और भावना को मिला के इन मंत्र के 10 नहीं कर ले तो बोलते हैं 1 लाख योनि से वैसे ही मुक्त हो जाता है। जितने भी मंदिर है बहुत पुराने हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 7वीं सेंचुरी में राजा मेरुवर्मन ने करवाया था। मंदिर की छत, पत्थर, लकड़ी वगैरह सब राजा मेरुवर्मन ने 7वीं शताब्दी में लगाया था। तो मंदिर के जो पत्थर और लकड़ी, वो 1400 साल हो गए उसको। 1400 जो अंदर देवता विराजमान है वो स्वयं भू प्रकट है, उसका कोई डेट पता नहीं कब से। सिर्फ इतना पता है कि इसकी जो छतें और लकड़ी वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 7वीं सेंचुरी में राजा मेरु वर्मा ने बनाया था। 1400 साल हो गए इन मंदिर के पत्थर और लकड़ी को, छतों को, और जो पिंडी है उसका कोई पता नहीं, वो आदि अनंत काल से। तो अब पंडित जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, तो इन्होंने हमें सब कुछ बताया। तो अब और पंडित जी ने ये भी बताया कि मंदिर के सामने यहाँ पर जो ढाई पौड़ियाँ बनी हुई हैं, और हर एक पौड़ी का एक अलग अलग महत्व है। जैसे पहली पौड़ी है जो स्वर्ग के लिए जाती है, और जो दूसरी पौड़ी है वो नरक के लिए जाती है, और जो आधी पौड़ी जो है उसका महत्व ये है कि जैसे अगर किसी की टाइम से पहले मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल से कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसकी जब तक आयु पूरी नहीं होती है तब तक उसको यहीं पर रखा जाता है, और उसके बाद उसका जो टाइम पीरियड हो जाता है उसके बाद उसको आगे किया जाता है। मतलब चलो अब आगे चलते हैं और आगे का आपको बताते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ।